नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी अपने फ़ोन पे ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं, यानी कि अपना फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो इनेबल करना चाहते हैं? तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। यदि हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह है। आज की वीडियो में बताने वाला है कि आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर इनेबल करने का ऑप्शन है, इनेबल स्क्रीन लॉक का भी ऑप्शन है। तो इस तरीके की आप जो है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको करना होगा, सबसे पहले जो आपको अपने फ़ोन पर आ जाना होगा। जैसे मैं यहाँ पर फोन पे एक बार क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पे जो है फोन पे खुल जाता है। अब आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा होगा प्रोफाइल का चिन्ह एड्रेस पर क्लिक करना होगा, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको जो यहाँ पर नीचे दिखाई देगा, थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इनेबल स्क्रीन लॉक, आपको जो इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आप जो सीधे सीधे सेटिंग पर पहुँच जाते हैं। अब आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर लिखा हुआ पासवर्ड एस सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपको स्क्रीन लॉक पर क्लिक कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन लॉक लगाना है। इसके बाद आपको जो यहाँ पर लिखा होगा पैटर्न पिन पासवर्ड, आपको जो पैटर्न पर क्लिक करना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर पैटर्न लॉक लगाना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पैटर्न पर क्लिक करते हैं तो आपको सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर 2-3 सेकंड का वेट करना होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन खुल जाएगा। ऑप्शन खुलने पर आपको लिखा हुआ है गेट इट, इस पर जो है क्लिक करना है और यहाँ पर आपको काली स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर जो आपको अपना पैटर्न लॉक सेट कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे पैटर्न लॉक लगा रहा हूँ जेड। तो इस तरीके से आपको 2 बार कंफर्म कर देना है। इसके बाद आपको लिखा हुआ आएगा ऐड फिंगरप्रिंट, आपको जो ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपको फिंगरप्रिंट लॉक देना होगा, यानी कि आपको जो है पीछे से जहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट है वहाँ पर आपको जो है सिर्फ अपनी उंगली दबाई रखनी है। जितनी बार आप उंगली दबाएंगे उतनी बार स्कैनिंग कर लेगा और यहाँ पर लिखा होगा नीचे डन, यानी फिंगरप्रिंट 1 डन, इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है और आपको जो फिंगरप्रिंट 1 यहाँ पर लग चुका है। तो इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा स्क्रीन लॉक इसका ऑन आ गया, यानी कि जैसे आप लोग बैक आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक मांगने को मिलेगा। अब मैं वापस से होम पेज पर आ जाता हूँ और यहाँ पर जो है फ़ोनपे को दोबारा से चालू करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर चालू करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा मेरा जो फ़ोनपे ऐप था वो पहले से चालू था, तो मैं आप जो है दोबारा से इसे हटा करके दोबारा से ओपन करता हूँ तो यहाँ पर जो आपको फिंगरप्रिंट लॉक मांगने लगेगा या आपका स्क्रीन लॉक मांगने लगेगा। तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पर स्क्रीन लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक दे देना है और आपको जो फोन पे यहाँ पे चालू हो जाएगा। अब आपको जो यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कोने पर फोटो जो है इस पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको जो यहाँ पे दिखाई देगा प्रोफाइल का ऑप्शन खुल चुका है, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पे लिखा होगा स्क्रीन लॉक। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका जो स्क्रीन लॉक है यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब आप जब भी अपना फोन पे चालू करेंगे तो यहाँ पे जो आपको फोन पे में स्क्रीन लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक मांगने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो अपने फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। आई होप अब आपको जो अपने फोन पे पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना आ गया होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।